यहाँ पे संख्या 5000 से ऊपर होती है, 8 महिलाएं पुरुष भी घर परिवार से बच्चे सब लोग लेके 8000 लोग यहाँ पे हो जाते हैं। तो जब 8000 लोग आते हैं तो किस तरीके का माहौल रहता है यहाँ पे? बहुत धूमधाम का माहौल रहता है, बड़े उल्लास रहता है इन लोगों में। बच्चे खूब धूमधाम से खेलते भी हैं साइड में, ग्राउंड में, बगल में, और माताएं सब बैठ के यहाँ पे पूजा करती हैं, नहाती भी हैं। उन लोगों को नहा के कपड़ा बदलने के लिए स्थान भी बगल में बना रहता है कपड़ा बदलने के लिए उन लोगों का। गंगा जी से शुद्ध मिट्टी आती है बेदी बनाने के लिए, और वही मिट्टी लेके लोग बेदी बनाते हैं, बैठते हैं, और गंगा जी से जो जल आता है इस पोखरे में जल डाल दिया जाता है। ये जल और सप्लाई भी लगी हुई है नगर पालिका की तरफ से, जो है हम लोग का उसे पानी, शुद्ध पानी मिलता है यहाँ पे। बोली बोली छठ मैया के, बोली बोली भृगु बाबा के, बलेश्वर बाबा के। जगहों पे छठ घाट का निरीक्षण किया गया है, कुछ जगहों पे जहाँ सफाई से रिलेटेड इश्यूज थे वहाँ संबंधित विभाग से अनुरोध किया गया है, ईओ नगर पालिका से अनुरोध किया गया है वहाँ पे सफाई करवाने के लिए। इसके अलावा क्योंकि घाट में पजल के अंदर खड़े होकर के लोग जब अर्घ देते हैं उसके लिए वहाँ पे बैरिकेडिंग करवाई जाती है, उसके लिए भी संबंधित विभाग से बैरिकेडिंग की बात कर ली गई है। कुछ नाविकों और गोताखोरों की ड्यूटीज लगाई जा रही है जो कि मौके पे उपस्थित रहें, और उसके अलावा हमारे पास जो फ्लड कंपनी की अन्य PAC की टुकड़ियाँ उनको भी तैनात करके सुरक्षा व्यवस्था की सुनिश्चित की जा रही है।